दोस्तों, अगर आप भी अपने अनचाहे बालों से हो चुके हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान और चाहते हैं एक परमानेंट सॉल्यूशन, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि दोस्तों, हम में से किसी को भी अनचाहे बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, चाहे फेस की हो या फिर हाथ पैर की। ये हमारे सुंदरता को ख़राब कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा नेचुरल रेमेडी जिससे दोस्तों आपको अनचाहे बालों से मिलेगी हमेशा से छुटकारा। रेमेडी बहुत ही पावरफुल है। सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताई हूँ, आपको भी सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करनी है, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस रेमेडी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए फिटकरी। दोस्तों, फिटकरी अनवांटेड हेयर को रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। पुराने ज़माने से ही फिटकरी का यूज़ अनवांटेड हेयर को रिमूव करने में लिया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ये धीरे धीरे अनवांटेड हेयर को जड़ से ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे और इसका पाउडर बना करके हम तैयार कर लेंगे। तो खलबट्टे की मदद से बहुत ही इजीली इसका पाउडर बनके तैयार हो जाता है। चाहे तो आप ना इसका पाउडर ऑलरेडी आपको रेडीमेड मिलता है, आप वो भी ले सकते हो, या फिर इस तरह से उसका पाउडर बना करके यूज़ कर सकते हो। वैसे भी दोस्तों, फिटकरी हमारी त्वचा के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, जैसे कि आपकी स्किन को लाइट और ब्राइट करता है, या फिर स्किन से जुड़ी किसी भी तरीके की समस्या जैसे कि पिंपल, मुहासे या फिर झाइया जैसी समस्या को क्योर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हाफ चम्मच की करीबन हमें पाउडर लेना है और पानी भी हमें ले लेना है नाप तोल के, यानी कि हाफ चम्मच फिटकरी पाउडर के लिए आपको 4 चम्मच की करीबन पानी का यूज़ करना है। और उसके बाद हाफ चम्मच की करीबन हम बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा ऐड कर देंगे। मीठा सोडा ऐड करते साथ ही इस तरह से रिएक्शन क्रिएट होगा और इस तरह से काफ़ी सारे झाग बनते हैं जो कि अनवांटेड हेयर को बहुत ही अच्छी तरीके से रिमूव करता है। तो इस पावरफुल सॉल्यूशन को अब हमें रेस्ट के लिए छोड़ना है ताकि सभी चीज़ें वापस में अच्छे से मिक्स हो पाए और बहुत ही अच्छे से अपना असर दिखा पाए। तो इसे लगभग 20 से 25 मिनट के लिए हमें रेस्ट होने के लिए छोड़ना है। और अब हमें इसकी नेक्स्ट स्टेप के लिए चाहिए शक्कर। यहाँ पर आप हाफ चम्मच की करीबन शक्कर ले लीजिएगा, उसे खलबट्टे की मदद से कूट लीजिएगा, क्योंकि इसका महीन पाउडर हमें ही चाहिए। बस दरदरा पाउडर के लिए खलबट्टे में ही इसे पीस लीजिएगा ताकि स्क्रबिंग बहुत बढ़िया तरीके से हो, वापस में रगड़ खाए और बहुत ही अच्छी तरीके से अनवांटेड हेयर रिमूव हो जाए। शक्कर भी अनवांटेड हेयर को रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक कटोरी में कूटा हुआ शक्कर को निकाल लेना है और उसके बाद हमें ले लेना है एलोवेरा। यहाँ पर मैं फ्रेश एलोवेरा लीव का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह से फ्रेश एलोवेरा नहीं है तो आप रेडीमेड एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चाकू के मदद से देखिए इस तरह से हल्के से रब करेंगे ना, तो इसकी जो जेल है वो हमें लिक्विड आकार में बहुत ही बढ़िया तरीके से मिल के तैयार हो जाएगा। दोस्तों, एलोवेरा भी हमारी त्वचा के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, ये हमारी त्वचा में बहुत अच्छा ग्लो लाने के साथ साथ बहुत अच्छी तरीके से त्वचा को नरिश करता है। और यहाँ पे मेन चीज़ जो है ना, हमने देखिए बेकिंग सोडा की यूज़ किया है, फिटकरी का यूज़ किया है, सारी चीज़ें जो है ना एक केमिकल रिएक्शन क्रिएट करता है, तो उस चीज़ों से ना आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि स्किन में रेडनेस नहीं आने देगा, कोई काले दाग धब्बे नहीं पड़ने देगा, यानी कि दोस्तों आपकी स्किन को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसके बाद हमें ले लेना है कॉफ़ी। यहाँ पर हाफ चम्मच की करीबन हम कॉफ़ी ले लेंगे। तो दोस्तों, कॉफी यहां पर एक माइल्ड स्क्रबर का काम करता है, साथ के साथ अनवांटेड हेयर की जड़ों को कमजोर बना देता है। तो यहां पर कॉफी को भी हमें इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, यहां पर चाहे तो आप 2-4 बूंद नींबू का यूज भी कर सकते हो, क्योंकि नींबू भी आपकी त्वचा को रेडनेस से, इचिंग से बचाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस रेमेडी को अच्छी तरीके से हमें मिक्स करके तैयार कर लेना है। दोनों ही पावरफुल रेमेडी बनके तैयार हो चुका है। इन दोनों को हमें किस किस तरह से यूज करना है, चलिए मैं आपको पूरी तरीके से अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों, इस रेमेडी को अप्लाई करने से पहले आप फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। फेस पे कोई क्रीम या फिर मेकअप वगैरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कॉटन की हेल्प से फिटकरी वाले पानी को अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, स्पेशली जहाँ पर आपको अनवांटेड हेयर है। कई लोगों को चिन पे या फिर फोरहेड पे, अपर लिप में या फिर कनपट्टी में छोटी छोटी सी रुई होते हैं, तो उन जगहों पर आप इसे अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेंगे। दोस्तों, फिटकरी वाले पानी आपकी हेयर को यानी कि जो अनवांटेड हेयर है उनकी जड़ों को
बहुत ही अच्छी तरीके से कमज़ोर बना देता है। अब इसे आपको सूखने के लिए छोड़ना है, लगभग 5 से 10 मिनट इसे आप सूखने के लिए छोड़ेंगे और ये जब अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए उसके बाद आप गीले कपड़े के मदद से, कॉटन या फिर हैंकी के मदद से इसे आप पोंछ लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपको इसे पूरी तरीके से पोंछ देना है। तो यहाँ पर देखिए, फिटकरी वाला पानी इस्तेमाल करने के बाद आपकी जो हेयर होंगे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। और फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट रेमेडी जो हमने बना करके तैयार किए हैं उसे अप्लाई करेंगे। और इस रेमेडी को अप्लाई करते टाइम आपको हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में ही इसे आपको अप्लाई कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से। और इसे आप अप्लाई करेंगे अपर लिप पे, फोरहेड पे, चिन पे, या फिर अगर आपके पूरे ही फेस पे छोटी छोटी सी रुई की समस्या है, अनवांटेड हेयर की समस्या है, तो आप इस रेमेडी को अपने पूरे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि जितने भी चीज़ें हमने इसके साथ मिक्स किए हैं सारी चीज़ें नेचुरल है, तो आपके फेस में कोई नुकसान नहीं होगा। बल्कि आपके फेस में अगर किसी भी तरीके की समस्या है, जैसे कि अगर पिम्पल, मुहासे, फाइव लाइन या फिर झाइयाँ की समस्या होंगी ना, वो भी पूरी तरीके से क्योर हो जाएंगे। तो इस रेमेडी को आप बेफिक्र होकर के अप्लाई कर सकते हैं। और साथ के साथ दोस्तों, रेमेडी इतना पावरफुल है, अगर आप इसे रेगुलर अप्लाई करते हो तो अनवांटेड हेयर जड़ से और परमानेंट तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। तो इसे लगाने के बाद आपको हल्की सी मसाज करना है और ये मसाज आपको हेयर ग्रोथ की अपोजिट डायरेक्शन से करना है। तो इस तरह से मसाज करने से वापस में ये रगड़ खाते हैं और जो छोटी छोटी सी रुई होती है, अनवांटेड हेयर होते हैं, वो बहुत ही ईजीली अच्छी तरीके से रिमूव होने लगते हैं। इस रेमेडी को आप हफ्ते में 2 से 3 बार अप्लाई करेंगे और इसे लगातार 3 मंथ आप अप्लाई करेंगे तो आपकी अनवांटेड हेयर जड़ से और परमानेंट तरीके से खत्म हो जाएंगे, हेयर ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो इस तरह से हल्के से मसाज करने के बाद 5 मिनट के लिए इसे सूखने के लिए छोड़ेंगे। इसे बहुत ज्यादा ड्राई नहीं करना है, हल्के से गीले रहते ही आप टिश्यू पेपर या किसी भी कपड़े की मदद से हेयर की ऑपोजिट डायरेक्शन से इसे आपको इस तरह इसे हल्के से रब करते हुए रिमूव कर लेना है। तो जो छोटी छोटी सी रुई होंगे वो बहुत ही अच्छी तरीके से टूट टूट के निकल जाएंगे, क्योंकि वो आपस में रगड़ खाते हैं और अच्छी तरीके से रिमूव हो जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर हमने फिटकरी का यूज़ किया है जो कि बालों को बहुत अच्छे से कमज़ोर बना देता है, और शक्कर का यूज़ किए हैं जो कि वापस में रगड़ खाता है और बालों को बहुत अच्छी तरीके से साफ कर देता है, और कॉफ़ी जो कि माइल्ड स्क्रबिंग का काम करता है जो कि फेस में जो डेड सेल रहता है उन्हें रिमूव करता है और फेस को बहुत ही ग्लोइंग बनाता है। साथ के साथ एलोवेरा जेल जो कि आपकी फेस को बहुत अच्छी तरीके से नरिश रखता है। दोस्तों, आमतौर में जब हम पार्लर जाते हैं, थ्रेडिंग करवाते हैं या फिर वैक्सिंग करवाते हैं, उससे ना बहुत पेन होता है, रेडनेस आ जाता है, बहुत ज़्यादा काले काले से दाग धब्बे या फिर रैशेज वगैरह निकल आते हैं और हेयर ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ना कोई पेन होगा, ना कोई पैसा खर्च होगा और आपको परमानेंट तरीके से अनवांटेड हेयर से छुटकारा भी मिल जाएगा। रेमेडी बहुत ही पावरफुल है और नेचुरल रेमेडी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गारंटी है मेरा दोस्तों, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक देखी जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को 1 लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।